नमस्ते बच्चों, मैं राकेश पुनिया अच्छी शिक्षा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का क्या है बच्चों? बल है, फोर्स है। इस नेचर के अंदर चार प्रकार के मुख्य रूप से क्या है, नेचुरल फोर्स है, और उन्हीं नेचुरल फोर्स में से एक है आपका कौन सा, गुरुत्वाकर्षण। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला कौन सा शब्द है आपके पास यहाँ पे, गुरुत्व, और दूसरा शब्द कौन सा है, आकर्षण। पहला कौन सा शब्द है, गुरुत्व, और दूसरा आकर्षण। गुरुत्व का मीन समथिंग बीइंग हैवी, समथिंग बीइंग हैवी, कि इस नेचर में कोई हैवी ऑब्जेक्ट, इस नेचर का कोई हैवी ऑब्जेक्ट किसी लाइट ऑब्जेक्ट को, किसी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। वो आकर्षण बल ही आपका क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। वो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए हमने बताया था आपको कि इस नेचर के अंदर चार प्रकार से मुख्य रूप से प्राकृतिक बल हैं, फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स यानी कि प्रकृति में कितने फंडामेंटल फोर्स हैं, मूल बल कितने हैं प्रकृति में, चार। कितने बल हैं, चार। कौन कौन से हैं आपका, पहला हो गया ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन सा हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन को कहेंगे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया आपका विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो बल है आपका वो कौन सा हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरआणविक बल, अंतरआणविक बल। और चौथा कौन सा हो गया आपका, तीसरा कौन सा है, इंटरमोलिकुलर, और ये हो गया आपका स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ये कौन सा है, इंटरमोलिकुलर, वीक इंटरमोलिकुलर है ये, वीक इंटरमोलिकुलर। ये दुर्बल अंतराणविक बल, इसको क्या कहेंगे, दुर्बल अंतराणविक बल, कि इस नेचर के अंदर इस पृथ्वी पे मुख्य रूप से कितने प्रकार के बल हैं, चार प्रकार के जो बल हैं वो मूल बल हैं। वो कौन से हैं, फंडामेंटल फोर्स हैं। कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंटरमोलिक्यूलर और न्यूक्लियर फोर्स। अब आपको एक जो विशेष बात है वो क्या याद रखनी है, इस नेचर के अंदर इस पृथ्वी में सबसे जो वीक फोर्स है, सबसे जो कमजोर फोर्स है, या सबसे जो दुर्बल फोर्स है, सबसे दुर्बल बल जो है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पेपर में पूछा जाए कि सबसे दुर्बल फोर्स कौन सा है, पूछा जाए वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इंटरमोलिकुलर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और फिर ग्रेविटेशनल, यानी कि सबसे कमजोर कौन सा, ग्रेविटेशनल, सबसे कमजोर कौन सा, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखिए दूसरी मैं बात बता दूं आपको, गुरुत्वाकर्षण का मीन क्या है, इस नेचर के अंदर पृथ्वी अपने वायुमंडल में किसी ऑब्जेक्ट को, अर्थ इस वायुमंडल में किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, दैट मीन उस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस तरीके से इस मार्कर को मैंने यहां फ्री स्पेस से छोड़ा, अर्थ अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर आपको बच्चों हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक एक बात आपको समझ में आएगी। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे हम जो है वो बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक एक इसके बाद में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवाता रहूंगा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, गुरुत्वाकर्षण
बल का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया बच्चों? न्यूटन। किसने दिया? न्यूटन, सर इसाक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। सर इसाक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया। एक समय में जब न्यूटन यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, उस समय यूनिवर्सिटी में एक महामारी फैल गई थी, उसी वजह से उन्होंने क्या किया, वन ईयर का लीव ले लिया यूनिवर्सिटी से और अपने घर आ गए। और फरी समय में एक दिन वो एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, सेब का वो पेड़ था, ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी। और वो सोचते रहे, कुछ सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, इतने में एक सेब जो है ऊपर से नीचे गिरा, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि ये सेब अपने आप उस टहनी से टूट करके नीचे कैसे गिरा। और उन्होंने क्या किया, चिंतन करते करते खोज कर दिया किसका भाई, गुरुत्वाकर्षण का, कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही इस नेचर में, इस यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है। उन्होंने क्या कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कोई दो मासेस ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किन्हीं दो मासेस ऑब्जेक्ट का गुणनफल किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण के। किसके बराबर होगा? गुरुत्वाकर्षण के। यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखे हुए, कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो कितनी है, r। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उस फोर्स को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। तो इनका नियम क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, कि दो द्रव्यमान वाली वस्तु किसी भी बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती हैं, और उनके बीच की दूरी के क्या होती हैं, व्युक्त कर्मानुपाती। यानी कि अनुक्रमानुपाती इनका भाईचारे का रिलेशन, और व्युक्त कर्मानुपाती इनका दुश्मनी का, एक दूसरे के एंटी का रिलेशन होता है, एक दूसरे के एंटी का रिलेशन होता है। यहां पे क्या कहा न्यूटन ने, कि कोई भी दो मासेस बॉडी फोर्स के क्या होंगी, अनुक्रमानुपाती होंगी, और उनके बीच की दूरी के क्या होंगी, व्युक्त कर्मानुपाती होंगी। जैसे ही इसको हटाया जाएगा, देन F, यानी कि इस सिंबल को हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो F इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी बच्चों, जी एम वन एम टू बाय में आर स्क्वेयर। जी एम वन एम टू बाय में आर स्क्वेयर। जी क्या है यहाँ पे, जी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों जी के बारे में, बहुत बार पूछा गया है। जी यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हिंदी में कहेंगे क्या, गुरुत्वीय स्थिरांक। हिंदी में क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थिरांक, या नियतांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नियतांक। स्थिरांक या नियतांक का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी कि यूनिवर्स में वो कॉन्स्टेंट चीज जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो क्या होता है, नियतांक, यानी कि कॉन्स्टेंट होता है। और ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, हिंदी में सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक इसको कहेंगे। जी की वैल्यू हर बार पूछी जाती है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये वैल्यू पक्का पूछी जाती है बच्चों। ना जाने क्या पता कितने एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 6.67 × 10⁻¹¹ ये वैल्यू है, और यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर किसकी यूनिट होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये देखो आपके समक्ष जो वैल्यू है मैंने लिखी है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या होगी, 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस लॉ से रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, इसको मान लिया मैंने, ये बॉडी मान लेते हैं मून है, और ये आपका क्या है अर्थ, ये क्या है पृथ्वी, और ये अर्थ, ये दोनों कुछ सेपरेट दूरी पे रखे हुए हैं। अगर इनकी दूरी 1/3
गुना बढ़ा दी जाए, अगर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 1/3 बढ़ा दी जाए तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। फॉर्मूला आपके पास क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 y में r स्क्वायर, क्या बढ़ाया है हमने, दूरी बढ़ाई है, दूरी कितनी है 1/3, स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 1/9, कितना हो जाएगा 1/9। अब आप ये देखिए बच्चों कि ये हमने कहा था कि इनका रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता भाईचारे जैसा और इनका रिश्ता दुश्मनी जैसा, अब 1/9 है, इसका उल्टा करेंगे, व्युक्त कर्मानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणा, कितना हो जाएगा 9 गुणा। कहने का मतलब है बच्चों अगर दो अर्थ और मून के बीच की दूरी 1/3 बढ़ा दी जाए, 1/3 गुणा बढ़ा दी जाए तो उसके बीच उन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा बच्चों 9 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और उन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में मान लो बल लग रहा है कितना, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है 20 न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट का मास m1, इसका मास कितना है m2, इसका मास कितना है m2। अब देखिए इसका मास अगर 6 गुना बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ऑब्जेक्ट का मास 6 गुना बढ़ा दिया जाए, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना बढ़ा दिया जाए 4 गुना बढ़ा दिया जाए, और दोनों के बीच की जो दूरी है r वो कितनी कर दी जाए 2 गुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए 2 गुनी कर दी जाए। तो अब बताइए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, m1 m2 y में r स्क्वायर। अब मासेस बॉडी 6 गुना बढ़ा दिया जाए, 6 पहले का मास, दूसरी का कितना बढ़ाया जाए 4 गुना, कितना हो गया 24 गुना, कितना बढ़ गया 24 गुना। इसी तरीके से r स्क्वायर कितना कर दिया जाए 2 का कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इनका रिश्ता देखिए, ये कितना बढ़ाया, ये कितना हो गया, फोर्स के मास कितना गुना बढ़ गया, मास की वजह से फोर्स कितना बढ़ गया 24 गुना इनटू में, और आपकी जो दूरी है वो कितनी बढ़ गई 4 गुना। अब देखिए फोर्स जो है मास की वजह से तो 24 गुना बढ़ गया, लेकिन दूरी की वजह से 4 गुना क्या हो गया घट गया, क्या हो गया 4 गुना घट गया, क्योंकि ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 24/4 कितना आ गया आपका 6 गुना, कितना आ गया 6 गुना बल, कितना आ गया भाई 6 गुना बल जो है वो क्या हुआ बढ़ा, 6 गुना बल बढ़ गया। अब पहले कितना था 20 न्यूटन, पहले कितना लग रहा था 20 न्यूटन लग रहा था, और अब जब इसका मास भी बढ़ा दिया और दूरी भी बढ़ा दी तो कितना लग रहा है 6 गुना बढ़ा दो, 20 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 120 न्यूटन, आंसर कितना आ गया 120 न्यूटन, कितना आंसर आ गया बच्चों 120 न्यूटन आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्या है टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, और दूसरी बात यह है कि हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है आपको और हमें पढ़ाने में आनंद आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों स्मॉल जी के बारे में, आपने सुना होगा देखा भी होगा स्मॉल जी का मतलब क्या है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हिंदी में कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के अनुसार वेलोसिटी में होने वाला बदलाव क्या कहलाता है एक्सेलरेशन, समय के अनुसार वेग में होने वाला चेंज क्या कहलाता है एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ये बात आपने पढ़ी होगी। अब गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाएंगे, डिनोट किससे करेंगे स्मॉल जी से, गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करेंगे स्मॉल जी से डिनोट करेंगे बच्चों, जिस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा gm/r² अब g क्या है यहां पे बताइए आपको गुरुत्वीय स्थिरांक, m क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है आपके पास
रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, आर क्या है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जी आपको हमने बताई दिया गुरुत्वीय स्थिरांक। अब देखिए कोई वस्तु, ये अर्थ है, मान लीजिए क्या है आपके पास अर्थ, और किसी हाइट से कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, किसी हाइट से कोई वस्तु क्या आ रही है नीचे की, यानी कि या तो अर्थ के सरफेस से कोई वस्तु ऊपर फ्री स्पेस में जाएगी या किसी फ्री स्पेस से वो नीचे की तरफ आएगी, स्पेस से नीचे की तरफ, तो उस पे लगने वाला असरलेशन जो होगा ना वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल असरलेशन, कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण, कौन सा होगा बच्चों वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब देखिए हमने अभी अभी बात की थी, जी की वैल्यू आपको बताई दी थी हमने 6.67 × 10⁻¹¹ 11, 10⁻¹¹ 11। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ, हाँ अर्थ की भी बात कर लेते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ कितना है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻¹¹ 24 किलोग्राम, 6 × 10⁻¹¹ 24 किलोग्राम याद रखेंगे। और अर्थ की रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास ऑफ अर्थ 6.6 × 10⁻²¹¹ 24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ द अर्थ 64 किलोमीटर, रेडियस कितनी है अर्थ की 64 किलोमीटर। अब जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू पृथ्वी के ऊपर कितनी है याद रखेंगे, जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर कितनी है, अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है यूनिट त्वरण की, एसरलेशन की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 9.8 क्या है जी की वैल्यू, तो क्या हो गया आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है बच्चों जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कहां पे, अर्थ के ऊपर, कहां पे अर्थ के ऊपर। अगर मून की बात करूं मैं, कि अगर भाई चंद्रमा के ऊपर बात कर ले हम, मून की, चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो अर्थ के त्वरण से, अर्थ के त्वरण से 1/6, अर्थ के त्वरण के कितना होगा 1/6 होगा, कितना होगा बच्चों 1/6 होगा, पृथ्वी पर जी की वैल्यू 1/6 गुना होगा। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा, चलिए जान लेते हैं जी की वैल्यू के बारे में, कि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कहां पे कितनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होगी 0, कितनी होगी बच्चों 0, यानी कि जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होगी 0 होगी, और जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द, सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी होगी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी मैक्सिमम, कितनी होगी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा कहां होगी जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ, कम कहां होगी 0 कहां होगी अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे। अगर जी, अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से अपवर्ड हाइट की तरफ जा रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी कम होगी, जी घटता जाएगा, जी की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। और अगर अर्थ के क्या आ रहा है इनवर्ड, अर्थ के नीचे की तरफ आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे गहराई की तरफ आ रहा है, तो भी जी की वैल्यू क्या होगी घटता जाएगा, जी, जी की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, जी क्या होगा कम होता जाएगा घटता जाएगा। अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जी की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होती जाएगी जी की वैल्यू, डाउनवर्ड द अर्थ, डाउनवर्ड द अर्थ कितनी होगी डिक्रीज होती जाएगी, सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम होगी। सरफेस पे भी, यहां दो बात, सरफेस में भी दो होंगी यहाँ पे पोल, एक तो हो गया सरफेस पे आपका ध्रुव, तो ध्रुव पे होगी मैक्सिमम, ध्रुव पे क्या होगी मैक्सिमम, और दूसरा आपका हो गया इक्वेलेटर हो गया, या हम कहेंगे आपकी जो, एक तो हो गया इक्वेलेटर, यानी कि इक्वेलेटर के ऊपर जो रेखा है भूमध्य रेखा, अर्थ के सेंटर से जो गुजरती है, भूमध्य रेखा पे मिनिमम, और पोल्स पे क्या होगी मैक्सिमम, पोल पे क्या होगी मैक्सिमम, जी एट द इक्वेलेटर और भूमध्य रेखा मिनिमम,
और यहां पे पोल पे मैक्सिमम, पोल पे मैक्सिमम याद रखनी होगी बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो, जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ मैक्सिमम, जी एट द पोल ऑफ द अर्थ मैक्सिमम, जी एट द इक्विलेटर ऑफ द अर्थ मिनिमम, एंड जी इंक्रीज द हाइट एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ डिक्रीज एंड डाउनवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज, वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज, जी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी बच्चों, क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये बात हमने पढ़ी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, किसके बारे में? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। मुख्य रूप से दो या तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से? अर्थ का मास क्या होता है, दूसरा उसकी रेडियस क्या होती है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू, जी की वैल्यू, जी एम बाय में आर स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ गुरुत्वीय त्वरण एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाय में आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों के दोनों पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही, कल थोड़ा इससे आगे का पोर्शन पढ़ाएंगे। आप सभी को आज विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हम आपको कल टॉपिक से रिलेटेड, जैसे टॉपिक खत्म होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे साथ में। फिर सोचते हैं, हम विचार कर रहे हैं कि संडे तक जो है, पर संडे जब तक आपका एग्जाम होगा ना, पर संडे एक मैराथन क्लास होगी 6 या 7 घंटे की, जिसमें एक में फिजिक्स पूरी, बायो पूरी, केमिस्ट्री पूरी करवा देंगे, पूरी पूरी मैराथन आपको मिलेगी। बड़ा ही मजा आएगा पढ़ करके, आनंद के साथ पढ़ते रहिए। बस टॉपिक अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इससे रिलेटेड बुक उठाइए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो कीजिए, बस कहीं से बाहर से कुछ नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनों का ख्याल रखो, जय माता दी।